ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए बिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम कर रही है। अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है वो है शेर ए मशहूर टीपू सुल्तान। काश ये लोग देश में बढ़ती महंगाई पर आवाज उठाते, काश ये लोग देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते। क्या हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बनाने से क्या आपके बच्चे तरक्की करेंगे? क्या आपके बच्चों को 15 लाख मिलेंगे? क्या आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी? क्या आपके बच्चे शांति से आपके साथ रह पाएंगे? आपके बच्चों को गुंडा और कातिल बनाया जा रहा है, आपके बच्चे ही जेल में जा रहे हैं और वो लड़ाने वाले भड़काने वाले अपने घरों में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हैं। हम सभी को आगे सोचना होगा, तभी हमारा देश महान होगा, तभी देश का हर नागरिक तरक्की करेगा, तभी हम सब अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। स्वागत है आपका हक की आवाज में, मैं हूं शकील बागमारे। खेल का मैदान बना जंग का मैदान, जिस मैदान को 15 साल से टीपू सुल्तान मैदान कहा जाता है, आज वो मैदान भी हिंदू मुस्लिम की गंदी सियासत का शिकार हो गया। मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद एक खेल का मैदान टीपू सुल्तान का नाम रख के जाने पर विवाद और विरोध प्रदर्शन में बदल गया। मौजूदा हालात में हमारे देश में ऐसी सियासी जंगे, विरोध प्रदर्शन, विवादित बयानात और हिंदू मुस्लिम पॉलिसी बढ़ते ही जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और मौजूदा सियासत का अहम टॉपिक बन गए हैं। ऐसे ही सियासी जंग और विरोध प्रदर्शन मुंबई के मलाड इलाके में एक खेल का मैदान मौजूद है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। खेल सबके लिए होता है और खेल का मैदान भी सबके लिए है। इन्हीं मैदान में खिलाड़ी प्रैक्टिस करके ओलंपिक और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते हैं। खिलाड़ी ना हिंदू होता है और ना ही मुस्लिम, खिलाड़ी तो एक हिंदुस्तानी होता है और अपने देश के लिए खेलता है। लेकिन आज सियासी हालात ऐसे खतरनाक हो गए हैं कि जैसे ही एक मुसलमान का नाम इस खेल के मैदान से क्या जुड़ा, विवाद और विरोध प्रदर्शन का एक तूफान खड़ा हो गया। मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद खेल के मैदान को टीपू सुल्तान का नाम रख के जाने पर बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त एहतजाजी प्रदर्शन शुरू किया और बीजेपी के नेता परवीन दारेकर ने बयान देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर इस मैदान का नाम बदल देना चाहिए, वरना रियासत भर में इसका एहतजाज किया जाएगा। बीजेपी के और एक नेता राज पुरोहित ने इस मैदान के उद्घाटन में शामिल स्थानीय विधायक और कांग्रेस नेता असलम शेख को पाकिस्तान जाने का तक मशवरा दे डाला और कहा कि हिंदू के हिफाजत के लिए वो सड़कों पर भी आ सकते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि टीपू सुल्तान नाम रखने से हिंदू कैसे खतरे में आ गया और इनको हिफाजत की क्या ज़रूरत? क्या नाम रखने से हिंदू खतरे में आ जाएगा, जबकि इसी मुंबई में ऐसे कई रास्ते हैं जिनका नाम मुस्लिम नामों से जाना जाते हैं और इसी मुंबई के अंधेरी इलाके में एक रोड टीपू सुल्तान के नाम से मौजूद भी है। मगर जब हिंदू खतरे में नहीं था, ऐसा क्या हुआ कि इन 6-7 सालों में हिंदू खतरे में आ गया? सिर्फ इन नेताओं को हिंदू खतरे में नजर आ रहा है और ये इनकी हिफाजत की बात करते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद टीपू सुल्तान को महावीर बताते हुए कहा था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस पर कोई बवाल नहीं होता क्यों? अब मामला इतना संगीन हो गया है कि प्रदर्शन को सियासी रंग देकर इसको और बड़ा मुद्दा बनाया गया है। मलाड के मंत्री रहे असलम शेख ने इस बवाल पर कहा कि इस मैदान का नाम पिछले 15 साल से टीपू सुल्तान ही है, लेकिन बीजेपी देश को किस तरह मूर्ख बनाने का काम करती है, कहा देखिए। ऐसा है कि शेर ए मशहूर
टीपू सुल्तान नाम इस मुंबई शहर में सबसे पहले 2011 में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक ने देने का काम किया। उसके बाद 2013 में भी जहां तक का मुझे मालूम है कि इस तरीके का नाम जो है वीर टीपू सुल्तान मार्ग, ये भी भारतीय जनता पार्टी के देने का काम हुआ। मैं एक मैदान जो पिछले 15 सालों से टीपू सुल्तान के नाम से चल रहा है, वो पास हुआ है नहीं हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उसके अंदर जो प्लेग्राउंड बनाया, जो बास्केटबॉल के लिए बनाया, जो उसके अंदर वॉलीबॉल के लिए बनाया, जो बैडमिंटन के लिए कोर्ट बनाया, उसका उद्घाटन लोगों तक नहीं पहुंचे, इसलिए नामों के विवाद में ये पहुंचाना चाहते हैं। आज़ादी से पहले एकमेव राजा जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी है वो है शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान। अब उस नाम को लेके 70 साल तक का कभी विवाद नहीं हुआ। 70 साल तक का सभी राज्यों ने अपने अपने चौक, अपने अपने रोड, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें उनके नाम से की। यानी आज लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, नामों को लेके, देशों को लेके ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अपने छोड़े हुए पिल्लों के साथ दुनिया को और देश को जो है बदनाम करने का काम कर ऐसा है कि आज वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो काम हुए थे, जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुए थे उसका उद्घाटन है, वहाँ पे ब्रिज एक बन रहा है उसका उद्घाटन है, एक तालाब बनाया उसका उद्घाटन है। तो नामों के विवाद में फंसने की जरूरत ही, नामों के विवाद में अगर फंसता था तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप आज देखने को मिल रहा है। काश ये लोग देश में बढ़ती महंगाई पर आवाज उठाते, काश ये लोग देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते, काश ये लोग देश में आज भी फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के हक के लिए आवाज उठाते, काश ये लोग देश में सरकारी दफ्तरों में रिश्वत का बाजार लगाए हुए अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते, काश ये लोग नेताओं के गलत नीतियों पर आवाज उठाते तो शायद हमारा देश तरक्की के ओर बढ़ता और देश में अमन और शांति बने रहती। चंद लोग अपने अधिकार के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर सियासत करते हैं जिससे ना ही देश का फायदा होगा ना ही जनता का। उन लोगों को सोचना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, क्या हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बनाने से क्या आपके बच्चे तरक्की करेंगे, क्या आपके बच्चों को 15 लाख मिलेंगे, क्या आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, क्या आपके बच्चे शांति से आपके साथ रह पाएंगे, नहीं बल्कि आपके बच्चे नफरत के ऐसे कुएं में फंस रहे हैं जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। आपके बच्चों को गुंडा और कातिल बनाया जा रहा है, आपके बच्चे ही जेल में जा रहे हैं और वो लड़ाने वाले, भड़काने वाले अपने घरों में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हैं। जरा सोचिए कि परेशानी किसको हो रही है, क्योंकि ये आप ही को सोचना होगा। इतिहास में झांकेंगे तो वर्तमान खतरे में पड़ जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के। इसीलिए आपको, हम सभी को आगे सोचना होगा, तभी हमारा देश महान होगा, तभी देश का हर नागरिक तरक्की करेगा, तभी हम सब अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे जैसे हमारे नेता अपने परिवार के साथ खुश हैं। समझदारों के लिए ये न्यूज़ है, अगर आपको समझ में आए तो इसे आगे शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी समझ में आए। जब देश के हर एक नागरिक को आप अपना परिवार समझेंगे तभी आप अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना हक की आवाज।